Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. I am your social study teacher. TK, take out your social study book. Last topic of the chapter number is, today we will discuss. Open the book page number 74. TK, jo last topic hai humare paas hai wo interdependence. Yani jo humare paas countries hai wo interdependence countries hai. TK? यानी एक दूसरे पे जो है डिपेंड भी करते हैं. देखिए आप लोग, इंटरडिपेंडेंस इज अ रिलायंस एंड डिपेंडेंस टू अ टू एंड मोर इंडिविजुअल टू ईच अदर. यानी हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड करती है. कोई भी, जिस तरह हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई बंदा जो है अकेला नहीं रह सकता. ठीक है, तो इसी तरह हर चीज, हर कोई जो है दूसरे पे डिपेंड करता है. इन टुडे वर्ल्ड दिस डिपेंडेंस इज इंक्रीज्ड इवन मोर. और आजकल जो है दुनिया में ये एक दूसरे पर डिपेंड करना काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर कोई, जिस तरह अब आप लोग देखें, आज कल जो वबा जा रही है कोरोना वायरस की, तो एक कंट्री दूसरी की हेल्प कर रही है, दूसरी कंट्री तीसरी की हेल्प कर रही है. तो ये सारा प्रोसेस जो है जा रहा है. ईच ऑफ अस डिपेंड्स ऑन अदर्स टू फुलफिल आवर नीड. और ये जो हम डिपेंड करते हैं, तो जितने भी हमारे ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, वो एक दूसरे के पूरे हो रहे हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल्स ऑफ वुडन फर्नीचर. अगर हम एग्जांपल ले लें फर्नीचर के बंदे की, ठीक है, इट इज़ मेड बाय कारपेंटर. फर्नीचर कौन बनाता है? जो हमारे पास फर्नीचर बनाने वाला होता है, कारपेंटर जिसको कहा जाता है. वी डिपेंड ऑन द कारपेंटर टू फुलफिल अवर नीड फॉर फर्नीचर. क्योंकि कारपेंटर हमारे लिए फर्नीचर बनाता है, ठीक है, तो वो हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है. द कारपेंटर नीड्स क्लॉथ्स फॉर विच ही डिपेंड ऑन द टेलर. तो वो डिपेंड करता है कपड़े वाले पे, टेलर पे डिपेंड करता है. टेलर नीड्स अ मशीन, सेविंग मशीन जो होती है. तो कपड़े किस चीज़ से बनाए जाते हैं? सेविंग मशीन से बनाए जाते हैं, विच इज़ मेड इन फैक्ट्री. और सेविंग मशीन कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं. तो एवरी बॉडी डिपेंड ऑन द फार्मर टू ग्रो अवर फूड. ठीक है, तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है. फार्मर नीड टेलर्स कारपेंटर्स एंड मशीनरी. और जो किसान है, तो वो टेलर पे भी डिपेंड करता है, कारपेंटर पे भी और मशीनरी पे भी. आवर इंटरडिपेंडेंस इज क्लियर टू सी. तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. जैसे नेक्स्ट पैरा है कि नो बडी कैन प्रोड्यूस एवरी थिंग दे नीड टू बाय देमसेल्व्स. वी आर इंटरडिपेंड. क्योंकि अगर आप लोग एग्जांपल ले लें अपने आप, मतलब अपनी की, ना आप टेलर हैं, ना कुकर है, ना जो है मतलब कोई काम आप लोग नहीं कर, सिर्फ पढ़ सकते हैं ना. कपड़े आप लोगों के लिए टेलर सीता है, खाना मम्मा बनाती है, पैसे पापा कमा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह डिपेंडर होता है बंदा. जस्ट लाइक अ पीपल कंट्रीज आल्सो डिपेंड ऑन द वन एनदर. ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. द रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरियात होती है, एंड नीड्स एट्स द फॉर्म ऑफ गुड्स. जो हमारे पास सामान होता है, सर्विसेज होगी, वन कंट्री कैन बी मेट बाय परचेजिंग दीज फ्रॉम अदर कंट्रीज इन अदर कंट्रीज. दिस इज वन रीजन वाई कंट्रीज नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर. और इसका एक ही हल है कि जो भी कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखें. तो ये तो था हमारे पास इंटरडिपेंडेंस के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. कोई कंट्री दूसरे कंट्रीज के बगैर नहीं रह सकता. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि पाकिस्तान और उनके जो नेबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इंडिया, चाइना, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा. और ये एक दूसरे की किस तरह हेल्प करते हैं, उनके जो है बेसिक क्या चीज़ें हैं, तो इस चैप्टर में हमने पूरा वो एक्सप्लेन किया. ठीक है, अब जो है इस लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्क पेज का क्वेश्चन नंबर ए भी करवाऊंगी. वर्क पेज जो है हमारे पास है पेज नंबर 75. कंप्लीट दीज फैक्ट्स शीट्स अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. यानी हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं इसमें. ठीक है, ये उसके जो है फ्लैग दिए गए हैं. ये चाइनीज़ फ्लैग है, ये इंडियन ईरानी फ्लैग है, और ये जो है इंडियन फ्लैग है. तो इसी के मुताबिक हमने लिखना है कि कौन कंट्री कौन सी है, उसकी कैपिटल और सारा कुछ. फर्स्ट वन कंट्री जो है वो चाइनीज़ फ्लैग है, तो चाइना हो गया. कैपिटल सिटी इज़ बीजिंग. ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडेरियन चाइनीज. पॉपुलेशन 1.34 बिलियन. थिंग ग्रोज इन मेड हियर वीट इन मैलेट. वहाँ पे जो है हमारे पास वीट और मैलेट ग्रो करते हैं.
फेमस लीडर जो है वो डिंग एग्जाम्पिंग है, ठीक है, जो चाइना का है. सेकेंड वन इज ईरान, ईरानियन फ्लैग. ईरान जो है, कंट्री ईरान, कैपिटल सिटी तेहरान, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन यानी फारसी, पॉपुलेशन 70.5 मिलियन. ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास ईरान में पॉपुलेशन है. वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो करती है वो टोबैको हो गया, फ्रूट हो गए, वीट हो गया. और फेमस लीडर जो है आयातुल्ला हुमायूनी, ठीक है. फिर जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड वन है तो वो हमारे पास है इंडियन फ्लैग. तो इंडियन फ्लैग में हमारे पास है कंट्री इंडिया, कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है वहाँ पे. पॉपुलेशन 1.3 बिलियंस. और जो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करती है तो वो शुगर केन एंड कॉटन, जो बुक में हमारे पास नहीं है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं. और जो फेमस लीडर है वो इंदिरा गांधी हैं. तो ये तो हमारे पास फर्स्ट ए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वर्क पेज में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये आप लोगों का आज का जो होमवर्क है तो यही है कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर ए जो है ये अपने साथ लर्न कर लें, कि पता हो कि इनका कैपिटल सिटी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पॉपुलेशन हर कंट्री की कितनी है, ठीक है. और हमारे पास जो है फेमस लीडर हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ग्रो अप होती हैं. तो ये सारा आप लोगों ने लर्न करना है पेज नंबर 75 पे, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी. एट हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, देखें ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगी, शॉर्ट अलग और लॉन्ग अलग, ठीक है. तो थैंक यू फॉर टुडे.